देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन से पूरा देश दुखी है, क्योंकि हीराबा ऐसी मां थी जिन्होंने देश को नरेंद्र मोदी जैसा बेटा दिया, जो पिछले 9 साल से अपने कंधे पर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपनों को ढो रहा है, फिर भी थका नहीं है। मगर आज इस कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा भार था, जिसकी कल्पना मात्र से ही हर बेटे को डर लगता है, फिर वो बेटा चाहे कोई प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। और ये भार है एक माँ के पार्थिव शरीर को उसके अंतिम सफर के दौरान कंधा देना। इस तस्वीर को आज जिसने भी देखा होगा उसकी आंखों में आंसू आ गए, फिर वो चाहे पीएम मोदी के कट्टर समर्थक हो या फिर कट्टर विरोधी। तभी तो एक तरफ जहां पीएम मोदी की मां के निधन के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ उनके शुभचिंतक दुख जता रहे थे, तो वहीं कुछ ऐसे पत्रकार भी थे जिन्होंने इस दुख की घड़ी में पीएम मोदी का साथ दिया, जिन्हें उनका कट्टर विरोधी माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की, जिनकी पहचान ही पीएम मोदी के धुर विरोधी पत्रकार के रूप में है। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी की मां के निधन पर उन्होंने दुख जताते हुए कहा, ओम शांति नमन, ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। पुण्य प्रसून वाजपेयी के बाद एक और वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के निधन की खबर आई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मां के जाने का गम बहुत भारी होता है, ताउम्र तकलीफ देता है, भगवान नरेंद्र मोदी को इस तकलीफ को सहने की शक्ति दे। पीएम मोदी के कट्टर आलोचक माने जाने वाले पत्रकार अभिसार शर्मा ने हालांकि कोई ट्वीट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मां के निधन की सूचना देने वाला पीएम मोदी का ट्वीट जरूर शेयर किया है। एक और पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लिखा, दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री और परिवार के लिए प्रार्थना और संवेदना। एक और पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने लिखा, मोदी की मां की मौत दुखद है, लेकिन उसके बाद मीडिया कह रहा है कि मोदी महान है, पीएम का कर्तव्य निभा रहे हैं, तो ये भावुक अतिरंजना से अधिक नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री छोड़िए कभी इंसान होने का धर्म नहीं निभाया। 700 किसानों के मरने पर ही उन्होंने कहा था, मेरे लिए मरे हैं क्या? और जो गुजरात दंगों के बारे में अच्छे से जान लें कि किस तरह सत्ता लालसा में हजारों घरों को जाने दिया गया, ये कभी नहीं कह सकते कि मोदी ने राजधर्म निभाया। इंसानी धर्म तो उनके बस की बात नहीं, उनका हृदय लालच और सत्ता पिपासा से भरा हुआ है। इन तमाम पत्रकारों के अलावा एक और पत्रकार रोमाना इस्सार खान ने लिखा, आज माँ नहीं रही, माँ का जाना बहुत तकलीफ देह होता है, एक खालीपन हमेशा के लिए रह जाता है। परमात्मा नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे, माँ हीराबा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। कहते हैं माँ तो बस माँ होती है, चाहे वो किसी की भी माँ हो। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी की माँ के निधन पर उनके शुभ चिंतकों के साथ साथ विरोधी माने जाने वाले पत्रकारों ने भी दुख जताया है और दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े नजर आए। आपको बता दें, शुक्रवार की सुबह करीब 3:30 बजे यूएन मेहता अस्पताल में पीएम मोदी की मां का निधन हुआ था। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी, लेकिन डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मां के निधन की खबर मिलते ही पीएम मोदी सुबह करीब 7:45 बजे अहमदाबाद पहुंच गए। यहां से वो सीधे गांधीनगर के रायसन गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए, जहां उनकी मां का पार्थिव शरीर रखा था। पीएम मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई और खुद उन्होंने अपनी मां को कंधा दिया, जिसके बाद सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इतना ही नहीं, मां की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि बेटे का फर्ज निभाने के लिए कुछ ही देर बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री का फर्ज भी निभाया और बंगाल में रेल से जुड़े प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसी दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से पीएम मोदी का दर्द देखा नहीं गया और खुद उन्होंने सलाह दी कि सर प्लीज थोड़ा आराम कीजिए। फॉर यू पर्सनली, आई वुड लाइक टू एंड से गेट लॉस्ट।
एंड से ग्रेट लॉस ऑफ योर पर्सनल लाइफ. आई प्रे टू गॉड, मे गॉड गिव यू द स्ट्रेंथ एंड ब्लेस यू सो दैट यू कैन लव योर मदर विथ योर एक्शन एंड योर एक्टिविटी. सर, आई कन्वे माई ग्रैटिट्यूड टू यू बिकॉज यू आर सपोज टू कम टू वेस्ट बेंगल टूडे, बट बिकॉज ऑफ द सैड डिमाइज ऑफ योर मदर यू कुड नॉट रीच, बट हार्टिली यू हैव रीच टू अस थ्रू योर वर्चुअल प्रोग्राम. एवं आई विल रिक्वेस्ट यू मेक द प्रोग्राम कट टू शॉर्ट एंड प्लीज टेक रेस्ट बिकॉज जस्ट यू आर कमिंग फ्रॉम द क्रीमेशन. Sir, you'll be happy to know today is my happiest day because my dream project when I was a railway minister, that Taratala Joka, I inaugurated this along with I invited Potibha Patil ji, the then president. And also I must thanks today the then Kolkata Corporation chairman, Shobhan Chattopadhyay, because she collected all the land for this Joka rail station, for Taratala rail station, and my urban minister Firhad Hakim. And sir, other three projects also you are inaugurating today. I am very happy that Dankuni, Shaktigarh, or Chapdani, Boichi, or Ambani Phalakata, all are material modification program. Third line I started, it is in 2010 budget and 2010 and 11 budget. Everything was there, and today I lay the foundation stone. It is 2000 when Lotalji was the Prime Minister, 2001, and some projects in 2009 and 10 and 11 also. Out of four projects in my time. But now you are inaugurating, I am very happy. At least it is completed, and I kept money for the pink book so that this project should not be overlapped or it should not be stopped. One new train you have given Vande Bharat today, it is very good. I thank you so much for this, and also the railway minister and DM, GM Eastern Railway, my honorable governor is also here, and the other ministers are also here. And the public representatives. Today I should not forget the sacrificing of the Behala people. 10 years they suffered because the railway work was, construction work was going on. And that time some shopkeepers, the hawkers, the passengers, how they suffered. And today their dream, Amar Shopner program, aajke implemented hocche. আমি বেহালাবাসী সহ সারা পশ্চিম বাংলাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি. অ্যান্ড স্যার, ইউ উইল বি হ্যাপি, ওয়েন আই ওয়াজ এ রেলওয়ে মিনিস্টার আই সাবমিটেড ওয়ান হোয়াইট পেপার অ্যান্ড অলসো ওয়ান 2010 ভিশন. দ্যাট ভিশন ডকুমেন্ট রেলওয়ে মিনিস্টার মাস্ট বি নোয়িং দ্যাট 50 ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন ইজ বিন কেপ্ট দেয়ার অ্যালং উইথ দ্যাট জলপাইগুড়ি ইজ অলসো ওয়াজ দেয়ার. সো আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট বেঙ্গল ইজ getting this, and there are so many other 49 world-class stations. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences, message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother.